हादर आजाद अस्सलाम वालेकुम मैं हूं ताबिश हाशमी आप देख रहे हैं हार हारनाम मना है प्रेजेंटेड बाय माइको एंड सर्फ एक्सेल वर्ल्ड कप टी टी20 का आज शानदार मैच रहा पाकिस्तान और कनाडा का कनाडा मैच हार गई पाकिस्तान ने एहतियात के साथ कनाडा को हरा दिया बात करेंगे मैच के ऊपर मगर सबसे पहले अपने पैनल का ता'रफ ओपनिंग करते हैं बेधड़क टैलेंट पे नहीं कोई शक इमामुल्लाह ख्यालात में आजाद बॉलरस को किया बर्बाद अहमद शहजाद दोबारा कहूंगा ख्यालात में आजाद कैप्टन को किया बर्बाद अहमद शहजाद और चौकों और छक्कों के वजीर बाउंड्रीज की लगा देते दे थे दे भीड़ इमरान नसीर। और आज जो ऑडियंस बैठी है जो दबा के तालियां मजा रही आप सबके लिए बताता चलूं कि हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फन नेशन उन्होंने आपके लिए पांच पांच हजार रुपये के वाउचर भेजे हैं जो आप वहां जाकर रिडीम कर सकते हैं खूब इंजॉय कर सकते हैं पंद्रह खुश नसीबों को ड्यूरिंग द शो हम आगाज करूंगा इमाम आपकी हंसी और मुस्कुराहट रुक नहीं पा रही आज पाकिस्तान की फतेह पर जीत तो गया पाकिस्तान कैनेडा ने तो रन का बहुत ही मिडियोकर टोटल दिया पिछ हालांकि मुश्किल थी पाकिस्तान ने तब भी बड़ा होमियोपैथिक अंदाज में चेस किया और बस जीत से गए आपको लगा रिजवान और बाबर ने दोनों ने तकरीबन बल्कि तकरीबन क्या तक के स्ट्राइक रेट से ही खेला स्लो खेला स्लो क्यों नहीं मैं स्लो नहीं कहूंगा इन विकेट्स पे ऐसी बैटिंग हो रही है अगर हम पाकिस्तान के अलावा भी देखें साउथ अफ्रीका के विकेट हम इंडिया के अगेंस्ट भी हमने बैटिंग देखी और हमने कल साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच देखा तो इधर मेरे ख्याल से यही तरीका है कि इधर आप इधर ऐसे ही बहुत ज्यादा भी आप अच्छा खेलोगे तो एक सौ दस के एक सौ के स्ट्राइक रेट वो बहुत अच्छी इनिंग समझी जाएगी तो लेकिन इट्स गुड टू हैव अ विन अंडर देयर बेल्ट और जो चीज़ें पास्ट में हो गई अब उसका वो कुछ कर नहीं सकते पास्ट आप देखें जो भी इस वक्त हमारे पास करंट सिचुएशन है करंट सिनेरियो है हमने उसी को देख के खेलना है और आज जो जो मुझे जहाँ तक या था कि हमने अपना नन रेट नेट रन रेट बेहतर करने के लिए 17 ओवर्स में यह चेज़ करना था कि जो कि मेरे ख्याल से हो गया लेट्स होप कि अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि यू और उसके मैच में बारिश हो सकती है वो मैच हमारे लिए बहुत क्रूशल है इट्स जस्ट के पहले तो हमें इस, इस सिनेरियो में नहीं आना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे हैं अब तो अल्लाह करे वो मैच हो जो कि यू से जो है हारे और अपना पाकिस्तान नीचे मैच अच्छे जो है नेट रन रेट से जीते तो उसके बाद देखते हैं कि यू नेवर नो कि यही टीम जो है सुपर एट में जाके बिल्कुल डिफरेंट लेकिन वी ऑल डू मिस्टेक्स हमने बहुत गलतियां की हैं इस दो मैचेस में और मेरे ख़्याल से उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है हम सिर्फ यही दुआएँ कर सकते हैं एज नेशन एज़ क्रिकेटर्स के पाकिस्तान सुपर एट में किसी तरह जाए और उस वक्त वो सारी जो गलतियाँ इन्होंने पहले दो मैचज़ में की हैं उसको सुधार के इन किसी तरह जो है हम सेमीफाइनल में हम यही दुआ कर सकते हैं अहमद भाई आपसे पूछूंगा एरन जॉनसन कनाडा के प्लेयर है उन्होंने भी 50 स्कोर की पाकिस्तान के अगेंस्ट मगर स्ट्राइक रेट 44 बॉल्स पे बनाई उन्होंने 52 टू रन तेज़ बनाई बन रिजवान और बाबर के उन्होंने भी रिस्क लिया इंटेंट खेल के साथ खेले जब इतने इनएक्सपीरियंस टीम का प्लेयर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है बेहतर तो और आमिर और नसीम और हारिस रऊफ़ के अगेंस्ट ये नहीं कि के वो कैनेडा के बहुत ही नए बॉलिंग अटैक के साथ तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर पाते क्या टेक्निकल मसाइल हैं हमारे साथ देखिए अब आप, आपने ठीक बोला है कि बेहतर तरीके से प्लान भाई हो सकती थी ठीक है जिस तरह हमें नजर आया कि साइम ने शुरू में चांसेस लिए ठीक है ऑन दी अदर एंड रिजवान जो थे क्योंकि वो बॉटम हैंडेड प्लेयर हैं और बिल्कुल यू नो लात पे हर चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो जो लात पे आप हर चीज़ ढूंढते हो तो आपको इधर बुरे बॉल भी मिलते हैं तो वो आपसे मिस हो जाते हैं टाइम नहीं हो पाते उस तरह तीन से चार बॉल अगर शुरू में आप देखें रिजवान को शॉर्ट एंड वाइड मिले हैं लेकिन वो उनको कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं कि आपको बुरे बॉल को जिस तरह का भी पिछ है अपने बाउंड्री पर पहुँचाना है स्पेशली यू नो उन सिचुएशनस में ताबिश भाई जब आपको रन रेट से जीतना है अगले आने वाले मैच में और ऑन दी अदर एंड थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट प्ले करते हुए वेचेज़ के हमें पता है कि ये बाबर जो है वो अपना टाइम लेंगे फेयर इनफ वो इसी तरह ही खेलते हैं तो जब वहाँ से साइम आउट हुआ था आप फ़खर को ऊपर भेज सकते थे और यू you नो know, उसको कह सकते थे कि एक तरफ रिजवान हो जाता एक तरफ फख्र हो जाता कि वो अगर 25-30 रन आके 5, 10-15 बॉलों पे करते तो पाकिस्तान इस चेस को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता था ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होना पड़ता है आपको मैनेजमेंट में लेकिन इतना प्रेशर है मेरे ख्याल से इतने यू नो अंडर प्रेशर है सारे कि कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करते हुए घबरा रहा है अब लेकिन जहाँ तक सिर्फ विन की बात है ताबिश भाई देखें जिन हालातों में जिस तरह हमने पिछले दो ढाई तीन महीने में चीज़ें कर रहे हैं एटलीस्ट हम मैच जीते हैं तो ये एक खुशी की खबर है कि हम मैच जीते हैं लेकिन अब मुश्किल चीज़ ये आ रही है पाकिस्तान की कि अगला जो यू का और आयरलैंड का मैच है अगर वो यू जीत जाता है तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा उस, उससे पहले पाकिस्तान को अपना एक और मैच जीतना है लेकिन जो बुरी खबर है जिस तरह इमाम ने अभी मैंशन किया बारिश का है, कि वहाँ बहुत तेज बारिश है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है आज आप जीते हैं लेकिन इससे बेटर प्लान हो सकता था पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तरफ से बॉलिंग बहुत जी जी, जी, हर हर मैच में मा सिवाय वो सुपर ओवर जो उन्होंने किया था उसके बाद हर हर मैच में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की आज भी जिस लेंथ पे उन्होंने आके बॉलिंग की उन्होंने बाकी सारी टीम को भी यू you नो know, शो किया दिस इज देंथ और उसके बाद सारों ने जब वो लेंथ हिट की है तो आपको नजर आया कि पाकिस्तान बॉलिंग ने एक दफा फिर टीम को 108 पे उतार दिया और पिछले मैच में भी इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को 120 तो क्रेडिट टू द बॉलिंग थोड़ी सी बैटिंग को जो है हमने यू नो थोड़े देनी है स्टेप अप करने की जरूरत है लेट्स होप फॉर द बेस्ट इमरान भाई आपसे पूछूंगा मैं देखिए साइम के ऊपर ज्यादा बोलते हुए मुझे बुरा इसलिए लगता है इज अ वेरी यंग बॉय और उसके ऊपर ऐसा प्रेशर हम बोलेंगे यार वो इस उम्र में ये सहना बहुत मुश्किल काम होता है आप लोग भी गुजरे हैं इस दौर से यार आपको भी बहुत छोटी उम्र में पर्ची पर्ची के नारे लगाए आपके साथ भी हुआ आपके साथ भी सेल्फी किंग बनाया हुआ था आपको तो आ, लेकिन इमरान भाई छब्बीस इनिंग्स का चांस दे दिया गया है टाइम नहीं चल पा रहे आ, क्या ये अभी कहा जाए कि यार ही इज स्टिल नॉट रेडी फॉर द इंटरनेशनल लेवल या देखिए ताबिश भाई सबसे पहले तो हमें वो स्लॉट रेडी करना चाहिए था जो बेंच स्ट्रेंथ हम कहते हैं हमारे पीछे कोई ऐसा बैटर या मे भी हो भी सकते हैं मैंने बताया कि हमारी वो बेंच स्ट्रेंथ उतनी मज़बूत नहीं है अगर मजबूत होती तो हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी उसके प्लेयर से है? आ, फिर उसके बाद नहीं नहीं है प्लेयर्स मैं मैं उसी पर अच्छा प्लेयर्स जब परफॉर्म करते हैं ना आपने प्लेयर्स की परफॉर्म कैश करनी होती है कि यार इस टाइम पे फॉर्म पर प्लेयर है आप इसको क्लिक करें इसको पिक करें और इसको खिलाए हमारा थोड़ा सा सिस्टम क्या है खराब है कि हमारे पास पीछे बैंस उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम समझ रहे है। है। आ, हैं सही है बहुत सारे प्लेयर्स हैं सबको चांस मिले हुए हैं हम एक एक करके नाम लें तो हैं प्लेयर्स है। अच्छा थोड़ा सा मेरा हट के ये क्वेश्चन है कि यार आपने प्लेयर्स को थोड़ा उनको मोटिवेट भी करना होता तो है उनको बताना भी होता है उनको स्किल भी सिखानी होती है कि यार आप आया कि ऐसी पिचेस के ऊपर आपको कैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए टाइम ऑफ इतने अरसे के बाद अगर आप मैच खिलाएंगे फिर उसके बाद देखिए एज ए क्रिकेटर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हाँ। और फिर आप वर्ल्ड कप का प्रेशर फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन है पहले आप दो मैच आ रहे हुए हैं फिर आप कहेंगे यार ऐसा प्लेयर आएर, आते ही दस बोलों पर तीस पैंतीस कर दे चालीस बोलों पर सौ कर दे तो यार थोड़ा तो, मुश्किल होता है और तो पिचिस भी आपके सामने लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में कोई डिसीजन बुरा नहीं है चले अल्लाह करके वो मैच जीते ये सबसे बेस्ट है क्योंकि आप मैच पहले जीते देन उसके बाद एक अहमद की बात को बिल्कुल सही है कि थोड़ा आपको रन रेट जो है वो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा आपके जो मैं जितना भी वो स्टाफ बैठा हुआ उसने आपको ब्रीफ किया होगा आई थिंक मेरे ख्याल में सत्रह ओवर में अगर करते तो मच मच बेटर रन रेट हो सकता है फिर उसके बाद आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि यार फोरकास्ट है यू के मैच में आप उसी हिसाब से ही खेलें अगर वो मैच में बारिश होती है फिर तो खैर पाकिस्तान मेरे ख्याल में बाहर ही है वो तो मेरी मुश्किल हो जाएगी जी जी बात तो तय हो चुकी है बारिश की बात हम बात चलाएंगे काफ़ी हाँ। सारे भाई डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर्स थे कि जो कि अब उनमें से कुछ जो के चांसेस नहीं मिले वो वो अमेरिका चले गए सैफ़ बदर एक बड़ा कनाडा चला गया था बड़ा जबरदस्त सैफ बदर एक हमारे प्लेयर हैं वो भी अच्छी क्रिकेट खेलते थे, थे। चले गए तैयब तो ताहिर ने बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं अभी आगा सलमान भी देखे परफॉर्मर है उसके बाद जमान खान है उसके बाद उसामा मीर है उसके बाद मोहम्मद अली है उसके बाद साहिबजादा फरहान है उसके बाद शाहनवाज शाहनवाज धानी है उसके बाद आपके हसनैन एक बॉलर तो देर आर पीपल मसला है कि जब उनको चांसेस उस तरह से कंसिस्टेंट और सपोर्ट के साथ नहीं मिलते वो बेचारे उस तरह परफॉर्मेंस कर नहीं पाते मैं तो सपोर्ट जो है वो सिर्फ पाँच छे को ही मिलती है और जब सपोर्ट मिलती है तो इंसान परफॉर्मेंस भी करता है सही इमाम मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए मगर पहले मैं ऑडियंस के सवाल लूंगा फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपको फंसाऊंगा ठीक है कौन है सबसे पहले असला बैठी रहे बेटा ऐसी माइक करीब क्या नाम है आपका लाइबा

मेरा और कोई मसला नहीं है मैं तो वैसे भी नहीं खेल रहा शायद ये बातें करके और ना खेलूं लेकिन कुछ देखी नहीं जाती चीज़ें और जिन बर... चीज़ों का पता है तो उसके बाद आपसे यूँ चुप रहा नहीं जाता है ज़्यादा मैं जनमनली बोल रहा हूँ मुझे बड़ी खुशी होगी मैं ये फ्लोर पे मैं शर्ट उतार के डांस ने, करने ने, के लिए तैयार हूँ आप कब जितवा के लेके आइए बिकॉज देखें पाँचवा इवेंट है आपका अब इतना ही होता है इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि आपके बारे में कोई बोल के ज्यादा है तो भाई ठीक कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं हम ज्यादा कर रहे हैं

लगाया <laughs> <laughs> क्या लगाया हुआ है आपने ब्रांडसोड ब्रांड रोड पे सर अच्छा रा... एड्रेस बता दिया लेने के आने नहीं <laughs> जनरल <ताजरों पास> <laughs> <या laughs> सप्लायर अच्छा सवाल करें सर अच्छा, अच्छा मेरा इमाम से सवाल है हाँ कि आजकल सुना है कि वो शाह और बाबर के बातचीत थोड़ी खत्म हुई पड़ी है अच्छा। तो वसीम अक्रम ने भी इस हवाले से कहा था तो आप क्या कहते हैं आपके तो दोनों दोस्त हैं ना ना अच्छा आपको ये ये न्यूज़ से मिले पहले आप ना। वीडियो <laughs> खबरें आ रही है, मार्केट में अवेलेबल है अच्छा मुझे अभी तक वैसे कोई ऐसी खबर नहीं आई और अगर ये खबर आई थी तो मैं तो वर्ल्ड कप से पहले सुनने में आ रहा था कि देखिये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक होती हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है मैं आपको हल्फिया लिख के कह रहा हूँ तो ज्यादातर सोशल मीडिया की बातों को ज्यादा ज्यादा गौर ना किया करें अरे सोशल मीडिया पे तो हर जगह लिखा आ, है ये ये ये, ये 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 मैं है पाकिस्तान नंबर टीम ये लिखता हूँ इमाम के साथ एग्री करूंगा कि सारी जो जो है ना सोशल मीडिया की बातों पे चाहे वो किसी को किंग बनाने में हो या किसी को नीचे लेके आने आज जो भी है मैं सबकी हूँ हर चीज हर चीज हर चीज को टीआरपी मिलना जरूरी नहीं, नहीं है माम की ये ये की बात में 110 अभी आप देखिए मेरी और अहमद भाई की एक ऐसी बात चल रही है कि मैंने थी कुछ थी। कहा और अहमद भाई ने कहा हमारी बात हुई नहीं हमारी बात हुई नहीं शो में मैं बता रू बहुत सारे साबिक प्लेयर्स ने कप्तानों ने फोन मैसेज करके वो भेजा और पूछा ये हुआ है मैंने कहा भाई ये नहीं हुआ नहीं, ये झूठ है नहीं नहीं ये खबर आई कि इमाम ने बोला कि पूरे पाकिस्तान की टीम दुनिया से डरती है पूरी पाकिस्तान की टीम दुनिया बाकी की टीम पाकिस्तान से डरती है तो उस पे अहमद शहजाद ने कहा तुम्हारी दुनिया में सिर्फ जिम्बाब्वे ये बात नहीं हुई ऐसे में

आप पाकिस्तानी टीम से ऐसे गायब हो गए जैसे पाकिस्तान से सियासतदान गायब हो जाते हैं <laughs> 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 तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में आपको दोबारा देखने, <laughs> देखने आपके नहीं। पास कोचिंग रोल को कोई रोल कोई पीसीबी में मैं आपने शायद एक न्यूज़ नहीं सुनी मैं इंजर्ड था और जो डिजीज थी मुझे उसके मुझे तकरीबन तकरीबन कोई सात आठ साल लगे उसमें मुझे रिकवर करते हुए तो उस वजह से मैं क्रिकेट से पीछे हट गया और अब तो खैर ऐसी एज भी नहीं है कि मैं कम के लिए हाँ कोचिंग शोचिंग के लिए या ऐसा कोई देखता हूँ इन कामों में अभी है टाइम कोशिश करूंगा जो हालात हैं उसके लिए मेरा ख्याल है कि अब कुछ थैंक यू थैंक यू और इमरान भाई बड़ी बबरकत सीटें हैं ये जी 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 बबरकत सीटें काफी लोग टीम में सेलेक्टर वलेक्टर बन जाते यहाँ पे मैं इंतजार करूँ असल हेलो

ठीक है नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट की थी इमाम भी होगा इमरान भाई भी, भी हो हम बहुत ज्यादा यंग थे हम तो सात आठ साल की उम्र में जो है ना ने, नेट्स में जाने लग गए थे तो मैट्रिक में वो सोलह सतारह साल के ऑलरेडी हो गए होंगे सोलह साल में तो ये थोड़ा सा लेट हो गया जी तो हमें लगता है कि जो अंडर नाइनटीन है ना जूनियर्स पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट है सही बात तो अगर वहां पे आपका चांस नहीं बनता फिर फर्स्ट क्लास में आना फर्स्ट क्लास में यूं आके बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो एक टैलेंट जो होता है मुझे लगता है सबसे पहले वो अल्लाह तला की तरफ से जो है ना इनबिल्ट होता है जो टैलेंटेड होता है उसको फिर आईस्ता आईस्ता अपने रास्ते खुद ही मिलते जाते हैं ठीक है अगला टैलेंटेड होता है तो उसको आहिस्ता हाँ, भाई कितने आईस्ता आईस्ता। यार फॉर एग्जांपल अपनी बात करता हूँ मैंने पौने 200 मैच पाकिस्तान से खेल लिए खेलनी मैं दुनिया जहान की लीगें मैंने खेल ली हैं साढ़े अट्ठाईस हजार मेरे रन प्रोफेशनल क्रिकेट में मिला के मुझे अपनी जिंदगी में रिग्रेट कोई रिग्रेट नहीं है मैंने जो अपनी जिंदगी में अचीव किया है मैं उससे क्वाइट हैप्पी हूँ बाकी जो चीज़ें आगे जिंदगी में जो मैं करना चाहता हूँ मेरे एम्स है उससे अल्लाह वाकिफ है और उसकी पूरी मेहनत करूँगा क्या नाम है आपका मेरा नाम रूहान भट्ट है अच्छा भट्ट साहब क्या करते हैं आप एक्चुअली uh, मैं टीचर हूँ पढ़ाता हूँ क्या पढ़ाते हैं एक्चुअली कंप्यूटर uh, पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ अरे कोई माशाई एक्चुअली मेरा आप सबसे एक सवाल है की इफ्तार चाचा को आप क्या करना चाहिए उन्हें अपने भतीजे पालने चाहिए यार मैं इफार चाचा से सवाल इस जवाब का सवाल सवाल का जवाब देने से पहले ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे तकरीबन सारे प्लेयर्स की ट्रोलिंग हो रही है कभी इसकी हो रही है कभी इमाद की कभी आमिर की बाबर की सबकी ट्रोलिंग हो रही है टीम है तो होती है ये काम भाई हमारी भी हो रही है आपकी तो नहीं होता <laughs> हम तो खेल भी नहीं रहे लेकिन अहमद भाई सीरियस बात है और मैं कैमरे में देख के बताना चाहता हूँ देखिये भाई आप अभी टीम का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने एक दूसरे मुल्क में मौजूद है पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं आप लोग अब आप एक यूनिट हैं चाहे आप में इतलाफ हो आप एक दूसरे को ना पसंद करते हो मगर दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए था ट्रोलिंग की एक ट्वीट पर इफ्तार अहमद की लाइक आई हुई है really? उन्हीं के टीम मेट की ट्रोलिंग हो रही है देखें आप इफ्तार अहमद है और इन्होंने ये शेयर की हुई है कि इमाद वसीम मास्टर क्लास वर्सेस इंडिया ये इन्होंने लाइक की हुई है इफ्तार ये नहीं करना चाहिए आपको वो आपके टीम मेट हैं दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी नहीं बनती हमारे अख्तिलाफ़ दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए ये घर के मसाए हैं घर में रखिए अब आप खुद ही बताइए क्या करना चाहिए आंसर मिल गया होगा कि इसको क्या करना चाहिए <laughs> <laughs> नहीं अगर ऐसा हुआ है दैट इज रियली नॉट ऑन अब मुझे नहीं पता ये गलती से हो गया प्रेस हो गया बटन या क्या है अगर है? तो ये हो तो प... होता है ना अक्सर गलती से छक्का तो नहीं लग रहा गलती से ट्वीट लाइक हो रही है कभी ये हो सकता है गलती से लग गया छक्का लग गया गलती से हो गया यार ऐसे की तैसी मैं अब अब मैं डिफेंड करूं तब मसला ना करूं तब मसला आज उन्होंने किसी तरह करके डिफेंड कर ही दिया तो आपने आके जो है क्योंकि ये क्रिकेट के हट के बाद है मैं देखें कभी भी जिंदगी में मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को खाने पीने पे बाहर जाने पे कोई ऐसी चीज मैं उनमें से नहीं हूँ मैं उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हूँ ठीक है ये चीज़ बहुत गलत है लेकिन मैं ये श्योरिटी नहीं है कि ये उन्होंने पर्पजली किया है या उनके मैनेजर से हो गया है या उन्होंने किया है तो इस इस बुनियाद पे मैं इफ्तार को भी कुछ कह नहीं सकता लेकिन अगर ये पर्पज़ली किया है ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है मैनेजमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए और डेफिनेटली इस पर जो है ना कोई ना कोई चीज़ मीडिया के अंदर आनी चाहिए क्योंकि ये एक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिल्कुल अच्छा नहीं इससे दुनिया को ये मैसेज जाता है कि आप अपनी ही टीम के मेम्बर्स के ख़िलाफ़ हैं तो आप जब आपस में एक ही नहीं है जब आपस में आपका गोल ही एक नहीं है एक दूसरे की ट्वीट्स ट्वीट नॉ you know, ट्रॉलिंग ट्वीट्स लाइक कर रहे हैं तो आपने एक हो के मुल्क के लिए रिजल्ट्स क्या देने हैं तो दैट इज रियली वेरी लॉन्ग अगर ये पर्पजली और इंटेंशनली हुआ है हाँ भाई अगर पर्पजली और इंटेंशनली है तो बिल्कुल गलत है वैसे उन्होंने अभी अपडेट दिया अनलाइक कर दिया है मगर उसके स्क्रीनशॉट तो ये, है, ये अभी अभी वाली बात से ये हो जाता है अक्सर 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 लडकों से से ये ये हो हो जाता है कि ट्विटर पे जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको ये मेरे से भी हुआ एक जगह वो लेकिन किसी की ट्रोल की नहीं थी लेकिन मुझे किसी का फोन आया कि प्रोफाइल से भी गलती से ही यार आप लोग रहा हूँ अगर इतनी गलतियां हो रही हैं इतफाक अगर क्रिकेट में भी हो जाए कि आया इफ्तार से गलती से छक्का लग गया इससे गलती से बोल्ड हो गया ये गलतियां करके देखें आप लोग एक बार खातन और वक्त एक छोटे से ब्रेक का गलती से लीजिए वापस आइए हारना मनाए <laughs> कहीं नहीं जाएगा बैक टू हार मनाए प्रेजेंट बाय सफ एक्सर एंड माइको ब्रेक के दौरान हमने फन नेशन के वाउचर अपने ऑडियंस में बांटे और आप तीनों पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं जो आप में से जीतेगा आज दस हजार रुपए हमसे लेके जाएगा और फन नेशन की जाने से तीनों ही पाँच हजार के वाउचर लेके जाएंगे आप तीनों का इंट्रोडक्शन हो जाए असल क्या नाम है आपका सायरा क्या करती हैं आप मैं स्टूडेंट हूँ बीबी ऑनर्स कर रही बीबी ऑनर्स वालेकुम सर असला क्या नाम है आपका शिक्री हजादिक्री वाह भाई थोड़ी मुखसर से नहीं हो गई

की लंबाई कितने किलोमीटर है इमरान भाई आपको तो पता होगा जी था था। जी मैं रास्ते में छोड़ के आ गया वापस आगे, आगे कितनी है चीन की लंबाई कितनी किलोमीटर है सुनने में आया है कि 18 19 दिन लग जाएं अगर आप पैदल चल के उसे क्रॉस करने की कोशिश करें कितने नहीं 500 आप बताएं पहले 18000 होगी किलोमीटर 18000 किलोमीटर की आवाज आ चुकी मियां 2700 किलोमीटर की आवाज आ चुकी है माम। अठारह हजार कुछ ज्यादा नहीं है <laughs> अब कह रही है तो चाइना मैं, मैं, से शुरू होता ऑस्ट्रेलिया तक तो एक एक, एक, एक मिनट एक, मैं, मैं हजार तीन हजार किलोमीटर यानी कितने आगे अठारह हजार तीन हजार सत्ताईस सौ बीस हजार एक मिनट बोल दिया बत्तीस सौ बत्तीस सौ बत्तीस सौ वो बेचारी सही बता रही थी पूरा ठीक है हम जीत गए हमने जीता जीत जाए यार भाईजान भाई सुने भाईजान इनकी सुने ये बहुत लंबी दीवार है वो बहुत लंबी दीवार

<laughs> मैं देखो शरीफ शराफत में फंस जाता हूँ डेढ़ सौ सवा सो नब्बे आप तो कह रहे थे बहुत बड़े बैट्समैन है यार मैं देखे नाउड और मेरे ही एक सौ सतावन चौके इमाम वेरी गुड बहुत चकेल ब्रो नब्बे <laughs> <laughs> तो बहुत कम थे मारे नहीं रही हो कह रहे हैं तो कह रहे हैं आपको अपने नहीं पता बेटा <laughs> चौके मार दिए ना उन्होंने जो चीज मार दी उसके बारे में क्या सोच मैं वही मैं अच्छा सुनो भाई अब सुनो गौर से बजर पे उंगलियां रखो बजर पे ये सवाल आएंगे पहले सवाल देखना है जो बजर दबाएगा उसी से पूछूंगा गलत जवाब माइनस ठीक है आपको सवाल लेकिन बता दूंगा इनकॉम्प्रीहलिटीज में कितने लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं? बज़र दबाने? बता कुछ खेलने के लिए बुलाया हुआ अगला दिखाइए एक डिनर जिसका बिल तेरह हजार हो जबकि अहमद शहजाद इसका चालीस फीसद इमाम तीन हजार अदा करें इमरान नजीर के हिस्से में कितने पैसे आएंगे

छोटा रह गया आंसर अगला <laughs> देखो। इसीलिए ना। इंग्लिश अल्फाबेट्स में लेटर के किस नंबर पर आती है बंद कर 10 दो, तो दो, 10. दो बेटा। दस, 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 दस। सही जवाब। इसका माइनस करो भाई उसने दे दिया आपने बजर दबाया आप जीत गए मुबारक कोई टाइप है

कोई चैलेंज करे ये हो भी सकता है नहीं, जो नहीं। के है कुछ देखे देखे और क्या है भाई क्या भाई जिंदगी वक्त बजर दबा टाइम वक्त क्या बोला आपने वक्त खूबसूरती खूबसूरती नहीं उन्होंने वक्त बोल दिया आपने वो बोला था पैसा और आपने बजर दबा दिया तो बोले बोले क्या क्या नहीं समझ आ रहा भाई हमें यार ये तो मैं चला तो भाई इन्होंने दिया इनका पूछो आपने का बजर? का बस? अच्छा, एक आप एक सेकंड माइनस होंगे बजर दबाया आपने आज घंटी का बिल कौन देगा कहा उन्होंने पहले बजर दबाया हमने बाबर के दोस्त मेरे दोस्त वो है अलग माहौल में घूम रहा हूँ बस <laughs> चलो बंद करो दिखाओ क्या आंसर है पे? अंधेरा तो माइनस टेन चलो थैंक माइनस टेन माइनस टेन और माइनस यार मैंने तो कुछ तो बोले ही नहीं, नहीं। तो भाई ये बोला नहीं चुप बैठ रहा उजर पे क्यों रखे ही बोल तो रहा हूँ तो आपने कहा बजर दबाएगा तो बस वही आंसर है लेकिन मैंने नहीं कहा वो यही तो कह रहे हैं भाई कुछ बोल मैं, मैं, मैं अगला, अगला सवाल था। अच्छा, अच्छा, देख सोच समझ के दिखाओ बेटा मेरे पाऊ नहीं है लेकिन मैं हर वक्त चलता हूँ बताइए मैं कौन हूँ वक्त पहले उन्होंने दबाया आप कुछ और है भजन दबा दिए इसने भाईजन मुझे अगले चौक तक छोड़ अहमद भाई ने बोला वक्त बंद करो वक्त वक्त इज द राइट आल्सो डेड अब नेगेटिव पॉइंट है अब नेगेटिव पॉइंट है लेट हो दिखाओ भाई दिखाओ अगला राउंड डबल और नथिंग इसमें आप जितना खेलेंगे ज्यादा उतने पॉइंट्स मिलेंगे डबल होते रहेंगे हर क्वेश्चन पे बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारे सवाल खेलें पहला सवाल बहरहाल खेलना पड़ेगा स्टार्ट करूंगा मिस्टर छोटी टाई शिगरी से सجاد शिगरी

कंट्री व दो हजार चौबीस समर ओलंपिक्स यूनाइटेड स्टेट्स जपैन फ्रांस जर्मनी अहमद ना उसको तो आगे। आगे। दसो जीड कीजिए गाइड कीजिए गाइड कीजिए फ्रांस जर्मनी जपैन यूनाइटेड स्टेट कह रहे जर्मनी जर्मनी में होंगे समर ओलंप फ्रांस

वाह <laughs> आपके क्रिटिसिज्म की तरह ये बात भी मेरे समझ में नहीं है। <laughs> अगला। आज मैं बहुत खतरनाक मूड में मुझसे देखो बेटा अगला राउंड क्या है हो गया खत्म हो गया तीसरा खेलना था आपको नहीं हाँ जी खेलेंगे आ, खेलेंगे खेलें, खेलें। बाबर का गया कुछ बाबर आजम स्कोर एक सौ छह रन इन थर्टी सेवन बॉल्स वॉट इज इज स्ट्राइक रेट

गलत जवाब <laughs> बस 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 एक तो सही बोला था बेटा खेलना है नहीं खेलना पूछ रहे इमरान भाई जी हो जाए आपसे बेटा कुछ पार्टिसिपेट करू तुम भी आज मजा आएगा फ्री बंद कर दो बेटा वे वे थ्री थ्री किसने बंद करो बेटा सही किया इमरान तो तो है तो में ही कहने। मैं शरारती नहीं करो इमरान भाई ही रिटायर हो चुकी नोन एज द लाइटनिंग बोल्ट इन एथलेटिक्स Lewis, माइकल जॉनसन हुसैन बोल्ट या आसमा पावल बहुत अच्छा सवाल है इनके इस आंसर के फेवरेट बॉलर हैं वकार रुक रुक जा जा मैं जवाब दे दसो जी जमेका से जमेका से है उस बंदे का तो उसेन बोल्ट होगा आई थिंक कॉल बताओ जल्दी से कॉल यार जल्दी से इसने तो कह बुक बुक करो अरे सुन कॉल्डी सेन बोल्टे हुसैन बोल्ट का ये देख लो यार मैं मुसल सही जवाब मैं चार दिन से सिर्फ बेचारा यार ये यार आप मुझे बताओ क्या, क्या लगता है, लगते है? मुझे बताओ आखिरी एपिसोड में हारना मना की क्या हो रहा होगा <laughs> चलो बात तो बता ला <laughs> मेरे ऊपर आ जाएगी बाबर को भूल जाओगे आप मैं हो जाऊंगा साथ। नहीं तीन जवाब उसने जब तक मैं इस राउंड में बंद ना कर दूंगा आपको भी चांस दिया था अब आप बता नहीं जमे का भी बता दिया किसनेट दे रहा था जमे का से उनको क्या पता कोई इंट दिया बाबर ने जो है ना इतना स्कोर कर दिया तो कितना मुझे भी नहीं पता था ना यार के लिए खिलाई Which element is commonly used in ट इज कॉमनली यूज इन बैटरीज लिथियम नहीं यार नहीं लीचियम चुप भाई बस 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 लिथियम जल्दी बेटा बोलो बेटा लिथियम लिथियम बंद कर दो जल्दी से बंद करो भाई चालीस नंबर वाह अगला अगला दिया हम सभी तो चलो के पचास साठ 80 के लिए 80 के लिए इमरान भाई आप तो अग्रेसिव बैठा 80 नंबर

बस बना बस ऐसे नहीं किया करो अहमद भाई जेलस होते सब बेरोजगार वेलकम बैक टू आवर रमन आई इस वक्त हम खेल रहे हैं चेमच कप आ, आ, आपने कहा आप फर्नेशन का बता दिया मैंने स्लैम डंक का पूछा गया आपसे आपने कहा वॉलीबॉल में होता है देखते हैं वॉलीबॉल में होता है कि नहीं दिखाइए बेटा दिखाओ बेटा बस no. बस 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 जीरो बेटा जीरो, जीरो।

बेटा प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करना बेनजीर बुट्टो क्या ना बेनजीर ना? भुट्टो बेन को बंद कर दे गलत मतलब लॉक कर दे सही जवाब फर्स्ट <laughs> प्राइम मिनिस्टर इन एनी मुस्लिम कंट्री वुमन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर बुट्टो शहीद दिखाइए अगला खेलेंगी बेटा अगला जी जी व्हिच कंट्री वन द फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975 सेवेंटी बजर नहीं दबाना बताना है हाँ जी

वो चीज करनी है जो लिखी आएगी इमाम आपसे करेंगे पहला नंबर खुलवाइए थ्री थ्री खोलिए बेटा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम बताए मॉडल टाउन गड़ीशो शे, शेरपाव ब्रिज कैंट मुगलपुरा तारे गार्डन वेलेंसिया लेक सिटी नाजमाबाद डिफेंस डीएचए आपको सौ नंबर

विनोद uh, विनोद चोपड़ा और विनोद खन्ना चोपड़ा कौन खन्ना <laughs> चोपड़ा कौन है विनोद विनोद चोपड़ा साथ 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 में बोलते जा भाई एट विनोद चोपड़ा नोवा था नहीं नहीं साथ हाथ हुए मैं गिन रहा हूँ भाई तस भी आई मां नहीं कर रहा हूँ मैं ना इंसाफ एक ही बचा है विनोद चोपड़ा की एक मूवी बता दो कौन है विनोच्चो... वो बन रहा है एक्टर बन रहा है <laughs> एक रहा है विनोद दिखाओ वन वन खोलिए वन सब्जियों के नाम बताओ बेटा आलू मटर गोभी गाजर शलजम धनिया हरी मिर्च अदरक पुदीना पुदीना तो बैंगन शलजम और किया तोरी और ये देखो आप <laughs> जिस जिस इमरान नजीर को आप हराने निकले थे फिर भी जीत कुदरत के निजाम ने उसको जितवा दिया अच्छा भाई बोलता है <laughs> इमरान नजीर में और इमाम हो चुका है टाई अब होगा टाई ब्रेकर सुपर ओवर मेरे पीछे मौजूद है मोहम्मद आमिर सुपर ओवर के लिए तैयार एक सवाल होगा बजर पे उंगली जिसने पहले जवाब दे दिया जीत गया दिखाओ चैलेज गलत अगर आपने बजर दबाया जवाब दिया गलत हुआ तो वो जीत गए ऑटोमेटिकली दिखाओ स्ट्राइक रेट हुआ अहमद शहजाद मिसबा उलक इमाम उलक इमरान नजीर क्या है हाई स्ट्राइक रेट इनमें से किसका है दो में टाई है इन्होंने अब ये गलत देंगे तो आप जीत जाएंगे दो में टाई है दो में एक अहमद भाई <laughs> इमाम उलाक? इमाम उलहक इमरान नजीर इमाम इन्होंने इमाम अलग बोल दिया अगर ये गलत उनके लिए चले इमाम अलग को बंद कर दो सोच ले इमाम सही जवाब अरे ये अहमद भाई ये हो क्या <laughs> रहे हैं <laughs> इनके का स्ट्राइक रेट आपसे <laughs> ज्यादा <साथा> क्यों है आ जाओ बेटा आ जाओ वेरी वेल प्लेड माम 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 एंड इमाम

सच्ची बात बताऊँ ये स्टेटस्टिक्स मेरे पास थे मैंने अहमद भाई से बोला भाई मेरे पास है मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ इन्होंने कहा शो पे बात करना तो इनके कहने पर मैंने इनसे सवाल पूछा इनके पास जिगर है जवाब देने का अहमद भाई थैंक यू सो मच फॉर देट तो <coughs> मैं उसके सिंपल सी फिगर देखिए मसला यही है कि आप सिलेक्टिव स्टैट्स जब निकालते हैं दूसरे को लेट डाउन करने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपस में जो है ना चीज़ें खराब होती हैं यही प्रॉब्लम है मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे स्टैट्स बहुत बुरे हैं मुझे खेलना भी नहीं आता है आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं ना आपको आप आपसे अगर नहीं हो रहा अगर आपके स्टेट नीचे हैं जिस तरह हम डोमेस्टिक में आए हैं आप भी डोमेस्टिक में आए ये इसमें गलत बात नहीं दूसरा ये कंपैरिजन नहीं बनता क्यों नहीं बनता जिन हालातों में जिन जिन जिस टाइम पे हम क्रिकेट खेल रहे थे तो चार साल पाँच साल पहले वाली नई नई क्रिकेट आई थी टी की दूसरा आप ये देखें कि कोचिज़ के साथ हमारे कोई ना कोई इशू रहा और दो मैचज़ में अगर हम इस कोई ऊपर नीचे शॉट मार देते थे तो कोच हमारे पास आके कहते थे ये आपका आखिरी मैच है फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप देखिए तो ऑन अदर एंड क्रिकेट इवॉल्व कर गई आजकल कर की करंट दौर में आप खेल रहे हैं आपने इम्प्रूव करना था ना आपके सी टीम में कोई सीनियर था आप ही सीनियर थे आप ही जूनियर थे कोचिज़ भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप तीन चार परसेंट जो है ना सौ परसेंट हमसे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपने चीजें इंप्रूव करनी थी ये कंपैरिजन पहले तो आपका और हमारा अगर करना है तो इन एस्पेक्ट्स का करें स्टैट्स का ना करें वो क्रिकेट अलग है ये क्रिकेट भाई कल कर लेंगे ना कल भी आपकी शिकायतें खत्म नहीं होंगी टाइम <laughs> अभी खत्म हो रहा है, रहा है।, को है। कल मिलेंगे गुड नाइट आप